शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय आठ। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय आठ। दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा। तब दो डोरी से लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य फिर जो का त्यो करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया और दाऊद ने उससे 1,700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और सब रथ वाले घोड़ों के सूंड की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क में अराम के सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। और हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढाले थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और बेतह और बरौतय नाम हददेजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हददेजेर से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हददेजेर तोई से लड़ा करता था। और योराम चांदी, सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों के सोने चांदी को और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। और जब दाऊद लोम वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहिलूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहितूप का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अहिमलेख थे। मंत्री सरायाह था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था। और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे।